विभाग से हमको आधिकारिक रूप से सूचना मिल गई, कल भी मिली थी दीपक सर से और आज भी मिली है कि 60-40 होगा। आप लोग मेरिट का बात भूल जाइए, आपके लिए पॉलिसी नहीं बनेगी। 60% बोला गया STET अंक का और 40% एकेडमिक का, जबकि विज्ञापन में ऐसा नहीं था, विज्ञापन में था सीट के अकॉर्डिंग। उन्होंने विज्ञापन के जब हम चर्चा किए तो उन्होंने बोला कि विज्ञापन वो पुराना बात हो गया। STET 19 के अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है, तमाम अभ्यर्थी सड़क पे दिखते हैं, प्रदर्शन करते हैं और बहाली की मांग करते हैं। अभ्यर्थियों की मांग तब भी पूरी नहीं होती है, बिहार के मुख्यमंत्री हो या फिर उप मुख्यमंत्री हो, या लगातार दावा करते हैं कि हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की जल्द से जल्द बहाली करवाएंगे, लेकिन अभ्यर्थी जो है काफी परेशान है, बस आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तमाम अभ्यर्थी 1.5 साल से परेशान चल रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं और पटना की सड़कों पर दिखते हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है STET के मेरिट अभ्यर्थी अभिषेक कुमार झा। अभिषेक जी बहुत बहुत स्वागत है, आपसे पहला सवाल रहेगा हमारा। धन्यवाद। लगातार आप लोग शांत बैठे थे, आने वाले दिनों में आंदोलन करने वाले हैं, किस दिन आंदोलन हो रहा है और क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, NBC को। हम लोग का आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, सरकार से हम लोग बात कर रहे थे, अपनी बात को बता रहे थे कि हम लोग के साथ क्या हुआ। STET 19 जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए कंडीशनल पात्रता परीक्षा हुआ था, सरकार बदली, नई सरकार में माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी भैया को भी समझाए बुझाए, सारे बात बताए कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन अंततः हम लोग समझाने में विफल रहे या वो उसमें समझे नहीं। विभागीय अधिकारी शिक्षा मंत्री सभी को हमने समझाया लेकिन वो लोग मेरिट को नहीं सोचे और वो अपने पॉलिटिक्स के लिए बिहार के बच्चे का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। और जो कम अंक लाए हैं टीचर, जो अयोग्य हैं, उनको टीचर बनाने के लिए ऐसा पॉलिसी बना रहे हैं। 60-40 का पॉलिसी क्लियर हो गया विभाग से। अच्छा। आज विभाग से हमको आधिकारिक रूप से सूचना मिल गई, कल भी मिली थी दीपक सर से और आज भी मिली है। अच्छा। कि 60-40 होगा, आप लोग मेरिट का बात भूल जाइए। अच्छा। आपके लिए पॉलिसी नहीं बनेगी। 60 किसके लिए है और 60% बोला गया STET अंक का और 40% एकेडमिक का, जबकि विज्ञापन में ऐसा नहीं था, विज्ञापन में था सीट के अकॉर्डिंग। उन्होंने विज्ञापन के जब हम चर्चा किए तो उन्होंने बोला कि विज्ञापन वो पुराना बात हो गया। तो मैं खास के माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि यह तानाशाही का सरकार नहीं है। अच्छा। आप होश में रहे, बिहार के बच्चों का भविष्य नहीं बर्बाद होने देंगे। और उप मुख्यमंत्री जी, आप जो शहजादा बने बैठे हुए हैं और कहते हैं इंतजार का मजा लीजिए, तो बिहार का बच्चा इंतजार का मजा लेने के लिए नहीं बैठे हुए है। विद्यालय में भवन है, शिक्षक नहीं है, इंतजार का मजा आप लीजिए। बिहार के बच्चे का भविष्य इंतजार का मजा नहीं लेगा। तो 60-40 आप लोग करने जा रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं और 15 तारीख को सचिवालय का घेराव करेंगे। चाहे इसके लिए हम लोग को जान प्राण त्याग करना होगा, जेल जाना होगा, करेंगे, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं, नहीं होने देंगे 60-40 का। लेकिन सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही, आप लोग प्रदर्शन करने कर रहे हैं, जो प्रदर्शन करते हैं उनको जेल में उठा के डाल दिया जाता है, चाहे कोई शिक्षक अभ्यर्थी हो चाहे अदर विभाग के भी अभ्यर्थी हो, तो क्या डर नहीं लगता? क्या डर किस बात का? आज हमारा देश जो आजाद है, अगर यही सरकार जेल में ठूस रही थी ब्रिटिश सरकार, तो जेल में जाने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी नहीं डरे थे। तो हम बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए जेल क्या, हमारी गोली मार दो, सर कलम कर दो, चुनवा दो, लेकिन हम लोग नहीं रुकेंगे। आप जितना भी तानाशाही कर लीजिए, लोकतंत्र में अपनी मांग, बिहार के बच्चे का भविष्य का मांग, विज्ञापन की मांग, मांगने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, नहीं तो आप तानाशाह बैठे बने हुए हैं, नहीं चलने देंगे। लेकिन सरकार बना था तो आप लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे, आप लोग मैंने कहते थे कि हमें उम्मीद है सरकार से कि हमारी बहाली करेंगे, मेरिट की सुने, लेकिन जी, कहीं तो अब तो 60-40 का रेशियो आ रहा है। मैंने पूरी कोशिश कर ली, हाथ जोड़ लिया, फूल दे दिया, कलम दे दिया, सब चीज कोशिश की जी, कि जो विज्ञापन है महोदय उसका पालन करवाइए और STET मेरिट में आए 30,675 की नियुक्ति कैसे हो, ये फॉर्मूला तय कीजिए। लेकिन आप लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और जो मेरिट में आए अभ्यर्थी जो विद्यालय में रहना चाहिए सड़क पर रहते हैं,
उनको सचिवालय दौड़ा रहे हैं, जितना वो भगवान के मंदिर में नहीं गए होंगे उतना सचिवालय के द्वार पे वो खटखटा रहे हैं। और मिलता क्या है दीपक जी, क्या बोलते हैं, एक घंटा से इंतजार कर रहे हैं, इसी के लिए कर रहे हैं, मेरिट कुछ नहीं होता है। तो आप भूल में रहिए, आप अधिकारी हैं, विधाता नहीं है किसी का। विज्ञापन के अनुसार हम लोग फॉर्म भरे थे, विज्ञापन के अनुसार रिजल्ट आया, विज्ञापन के अनुसार हम लोग स्कूल में जाएंगे। चाहे आप लोग कुछ भी कर लीजिए, हम लोग अब जाएंगे तो जाएंगे 15 तारीख को, देखते हैं आप लोग में कितना तानाशाही है, सरकार में कितना तानाशाही है कि हम लोग को जेल में डालता है कि गोली मार देता है। 15 तारीख को सचिवालय का घेराव करेंगे, किसी भी अधिकारी को घुसने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। लेकिन अभिषेक जी, 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी तेजस्वी यादव ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हामी भरी थी और उनका भी साफ कहना था कि 10 क्या हम 20 देंगे, तो क्या वही तो ये रोजगार मिल रहा है? मैंने उनसे किस तरीके से नहीं बात किया, प्रेम से बात किया, प्रणाम किया, सब चीज किया। अब कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए मेरिट के लिए नहीं पॉलिसी ना बना सकते हैं, क्या समझ लिए हैं वो, क्या समझ लिए हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जी। खेल के बीच में नियम नहीं बदलता। विज्ञापन जिस नियुक्ति का निकल गया, विज्ञापन के अनुसार बहाली होगी। आप लोग अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए नियम बदल दीजिएगा, संभव नहीं है। हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, आज कल परसों जितना दिन प्रोटेस्ट करना होगा उतना दिन करेंगे, जब तक 30,675 की नियुक्ति सुनिश्चित नहीं करेगी, ऐसा नियम नहीं होगा, तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अब 15 तारीख को सरकार देख ले कि मेरिट में कितना दम है, बिहार के बच्चे का भविष्य बनाने के लिए हमारे में कितना दम है, वो देख लेगी। 15 को हम सचिवालय घेरेंगे, इसके लिए हमारी जान भी चली जाए, हम देने के लिए तैयार हैं। मिशन 2024 के तैयारी में जो है बिहार सरकार के तमाम नेता लगे हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी यहां तक तमाम विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लाल किला पर झंडा फहराने की बात की जा रही है कि नीतीश कुमार जो है आने वाले दिनों में लाल किला पर झंडा फहराएंगे। भूल में रहे नीतीश कुमार जी, कुर्सी कुमार जी भूल में रहे। पीएम के सपना जो देख रहे हैं ना, आपके बिहार में, बिहार के बच्चे का जो भविष्य आपने गर्त में मिला दिया है, अयोग्य शिक्षक आपने भर्ती कर दिया है और भर्ती करने की चेष्टा कर रहे हैं, अयोग्य शिक्षक को चेष्टा कर रहे हैं, तो अपना घर आपको संभलता नहीं है। पीएम का सपना देखिएगा, घर 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 वाइन होम डिलीवरी करवाइएगा। अरे शिक्षक को डिलीवरी करवाइए घर घर, वाइन डिलीवरी कराने में आपको मस्ती आ रहा है, और शिक्षक को विद्यालय पहुंचाने में मस्ती नहीं आ रहा है। एक बार भी आपने कभी एक्शन नहीं लिया, 2019 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग एक बार भी सीएमओ ने एक्शन नहीं लिया, क्यों? सरकार ध्यान से सुने, यह बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, हम लोग अब नहीं रुकने वाले हैं। हम लोग को करो या मरो आंदोलन है, या तो मार दीजिए या तो बिहार के बच्चे का भविष्य बनाने के लिए प्लस टू हाई स्कूल में भेज दीजिए, अन्यथा हम लोग सचिवालय को नहीं चलने देंगे। 15 सितंबर को हमारा आंदोलन है और देखते हैं सरकार में कितने ताकत है। सामंतवादी सरकार, जो लोकतंत्र हम लोग मानते हैं, लोकतंत्र की सरकार है, लेकिन ये तानाशाही की सरकार है। ये भी शहजादे जी भी आए, वो भी तानाशाही दिखलाते हैं, कहते हैं इंतजार का मजा लीजिए। क्या है अभिषेक जी, कैबिनेट की आज बैठक हुई थी मुख्यमंत्री सचिवालय में, कहीं ना कहीं 19 एजेंडों पर जो है मुहर लगा है, 25 करोड़ रुपए जो है तमाम चीजों को देने की बात कही। वहीं बता दें आपको कि पाटलिपुत्रा, मुंगेर और पूर्णिया, और देखा जाए तो पटना विश्वविद्यालय में सहायक प्रधानाध्यापक देखा जाए तो तमाम जो सीटें हैं कहीं ना कहीं 459 पदों पर सृजन की स्वीकृति दी गई है, क्या कुछ कहिएगा इस पे? जी ये जो बोल रहे हैं ये तो बाद की बात है ना, अभी ज्वलंत मुद्दा जो है STT 19, उस पर क्यों नहीं एक बार आप बात करते हैं? क्यों डरते हैं? कारण क्या है आपको डरने का? आप क्यों खुल के नहीं आते इस मुद्दा पे, STT 19 पे? क्योंकि आपने ही STT 19 में घोटालाबाजी करके 26 जून का लेटर जारी किया, जो फेल था उसको पास किया। तो आप अपने जो कर्म किए हैं उसको सुधारने के लिए 60-40 कीजिएगा, बर्दाश्त से बाहर का चीज है। हम लोग स्टेट मार्क्स पे बहाली चाहते हैं, अगर स्टेट मार्क्स पे बहाली नहीं देना चाहते हैं तो 10 अंकों का मेरिट में वेटेज दीजिए, हमारी यही मांग है। इसी मांग के साथ हम 15 तारीख को सचिवालय का घेराव कर रहे हैं, चाहे इसके लिए जो हो जाए। ये तो कैबिनेट में, कहां कैबिनेट में STT 19 की चर्चा हुई? एक बार भी चर्चा कर लेते, हम लोग ने तो सभी द्वार खटखटा दिए, एक बार भी चर्चा नहीं है। दावा कई किया जाता है बिहार सरकार के तरफ से, मुख्यमंत्री भी कहते हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी कहते हैं, रोजगार तो देंगे ही और दे ही रहे हैं। कहां दे रहे हैं रोजगार के नाम पे, ये लोग अपने जेबी भर रहे हैं,
रोजगार देने के नाम पे एक बार भी बोले ना, इनका पॉलिसी खराब है। ऑफलाइन बहाली करते हैं टीचर की, नीरा की टेंडर ऑनलाइन होती है, राशन कार्ड ऑनलाइन, आधार कार्ड ऑनलाइन, शिक्षक की बहाली ऑफलाइन, कहाँ का है? देखा जाए तो जदयू के ही मंत्री थे शिक्षा मंत्री पहले भी, और अभी भी जदयू के साथ ही गठबंधन है और सरकार भी वही है जी। चेहरा बदल गया है लेकिन सरकार वही है, चुप्पी साधे हुए हैं, उन्हीं का किया कराया धराया है। एक बार आके बोल देते कि इन लोगों के साथ अन्याय हुआ एसटीटी मेरिट के साथ, लेकिन बैठे हुए हैं, एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। जो फेल था उसको पास कर दिए कि नहीं, अयोग्य को योग्य कर देते हैं वोट बैंक के लिए, हम लोग नहीं होने देंगे। सरकार चाहे जो हो, सरकार मैं अभ्यर्थी का कोई सरकार नहीं होता, अभ्यर्थी का एक ही सरकार होता है कि वह जाए नौकरी में जाए और विद्यार्थियों बच्चों का आप करियर बनाए, यही सरकार होती है लोकतंत्र में, यही सरकार होती है, अभ्यर्थियों को कोई सरकार नहीं होती है। अंतिम में जाने से पहले तमाम अपने साथियों को क्या कहिएगा 15 तारीख के आंदोलन को लेकर? साथियों अब करो और मरो के आंदोलन है, हम लोगों ने सब तरीके का इस्तेमाल कर लिया, प्रेम से सब चीज बताए मंत्री जी को कि हम लोग के साथ 2019 से क्या क्या हुआ सब बात बताए, लेकिन उन लोगों ने बहिष्कार कर दिया, बोले कि इंतजार कीजिए इंतजार कीजिए, और विभाग से आज पुष्टि कर दिया गया हम लोग को कि 60-40 करेंगे, तुम लोग को जो करना है करो, तो हमारे साथ ही 50% 30,675 में से छट जाएंगे, तो मैं 30,675 में से एक भी विद्यार्थी को नहीं छटने दूंगा। हमारे जितने भी साथी हैं आज निर्णय लिए हैं कि 15 तारीख को आंदोलन है, सचिवालय का घेराव है, जितने भी साथी हमारे बिहार और जितने भी बाहर हैं वह 15 तारीख को पटना इको पार्क के पास आए, 10 बजे पहुंचे और सचिवालय का घेराव करेंगे और अपनी बात को बताएंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है, आप हमारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते हैं, नियमावली प्रकाशित करने वाले हैं 2-3 दिन में, तो हम अपनी बात को रखेंगे, 15 तारीख को घेराव है साथियों, आप जल्द से जल्द 15 तारीख को पहुंचे पटना। तो आपने सुना हमारे साथ एसटीटी के मेरिट अभ्यर्थी अभिषेक कुमार झा थे, इनका साफ कहना है 15 तारीख को पटना की सड़कों पर महाआंदोलन होने वाला है, पटना इको पार्क से लेकर सचिवालय तक हम लोग यहाँ प्रदर्शन करेंगे और कहीं ना कहीं तमाम साथियों को इन्होंने बुलाया है। इनका साफ कहना है कि तमाम साथी एक साथ आए, क्योंकि देखा जाए तो 60-40 का रेशियो आ रहा है और इससे काफी दिक्कत हो रही है। इनका यह भी साफ कहना है कि हम मेरिट के अभ्यर्थी और सरकार जिस तरीके से यह कहते हुए नजर आती है कि मेरिट क्या होता है तो ये गलत है और हम सड़क पे उतरेंगे और बिहार सरकार का विरोध करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से चुप्पी साधे हैं हम उसका विरोध करते हैं, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार यह कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं उनका दावा फेल है, बिहार सरकार का दावा फेल है, 10 लाख रोजगार की जिस तरीके से कहा था बिहार के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने कि हम देंगे, तो लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है बिहार में और तमाम एसटीटी के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे ही दर दर भटक रहे हैं। वहीं बता दें आपको कि जिस तरीके से नीतीश कैबिनेट में आज 19 एजेंडों पर मोहर लगी है उसमें एसटीटी को लेकर कोई बातें नहीं हुई, ये भी अभिषेक कुमार झा का कहना है। और वहीं इनका साफ कहना है कि ये सब नहीं चलने देंगे, 60-40 का रेशियो जो है वो नहीं चलने देंगे, हमें बहाली चाहिए और तमाम अभ्यर्थियों की बहाली चाहिए जो हम मेरिट में। फिलहाल क्या कुछ कहते हैं अभिषेक कुमार झा, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 मीडिया के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद।